गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स, आज हम छार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए देख लेते हैं छार के बारे में। ठीक है, बात समझ में आई? यानी छार क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। छार क्या होते हैं? छार स्वाद में खट्टे होते हैं। जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? छार होते हैं। तो यानी ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें छार कहा जाता है। लेकिन जब आपके एग्जाम में परिभाषा आएगी कि छार किसे कहते हैं, तो आपको परिभाषा किसके अनुसार देना है, छार या छारक किसे कहते हैं। ठीक है, छार कह दे या छारक कह दे, ठीक है, दोनों की परिभाषा एक ही देंगी, आप इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं होती। आई बात समझ में? किसी कोई डाउट हो तो आप बता दीजिएगा। ठीक है, कहने का मतलब, क्योंकि एक चीज दिमाग में बैठा लो, छार, छारक और छार। ठीक है, ये दो पॉइंट ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा सा क्या होता है, अंतर होता है। थोड़ा सा क्या होता है, अंतर होता है। जो छार होता है वो जल में घुलनशील होता है। छार क्या होता है? जल में घुलनशील को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? छारक, यानी छार, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा क्या कहते हैं, उल्टा कहते हैं, यानी जल में घुलनशील को छारक कहते हैं। जल में घुलनशील छारक को क्या कहते हैं? छार कहते हैं। जल में जो घुलनशील छारक होता है उसे क्या कहते हैं? छार होता है। छार जल में क्या होता है? घुलनशील होता है। आई बात समझ में? तो छार छारक की परिभाषा देंगे, इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आप ये देखिएगा कि आर्हेनियस के अनुसार, किसके अनुसार? आर्हेनियस के अनुसार हमें क्या देना है छार की परिभाषा। तो कह कि छार क्या होते हैं? वे पदार्थ जो जले विलयन में OH- आयन देते हैं उन्हें छार कहते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? छार कहते हैं। बात समझ में आई? कोई डाउट है? तो छार क्या होता है? जल में घुलनशील होता है। ठीक है, यानी वे पदार्थ जो जल में घुलनशील होते हैं, जल में OH- आयन देते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? छार कहते हैं। जैसे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जब इसे जल में घोल देते हैं तो यहाँ पे Na+ आयन प्राप्त होता है और OH- आयन प्राप्त होता है। Na+ आयन और OH- आयन प्राप्त होता है, इसे हम क्या कहते हैं? छार कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आई बात समझ में? तो ये एक नंबर की परिभाषा यहां से पूछा जा सकता है कि छार किसे कहते हैं। उदाहरण में आप बहुत सारे दे सकते हैं। यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया जा सकता है, यहाँ पे Ca++ टूटेगा और OH- टूटेगा। आई बात समझ में? इसके बाद एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड भी लिया जा सकता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड तोड़ेंगे तो एल्युमिनियम में 3+ होते हैं और OH इसमें क्या होता है? 3OH- आ जाएंगे। या फेरिक हाइड्रोक्साइड आ सकता है। ठीक है, तो क्या होगा? Fe3+ आएगा और 3OH- आपका मिल जाएगा। आई बात समझ में? देखिए, इनका नाम बिल्कुल आसान होता है लेना। ये धातु है, ये धातु है, ये धातु है, ये धातु है, जिसे हाइड्रोक्साइड 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 हाइड्रोक्साइड, तो धातु का नाम लो हाइड्रोक्साइड कह दो, आपके छार का नाम क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। जैसे यहां दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे, इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे, इसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे, इसे आयरन हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। आई बात समझ में? आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद एक प्रश्न पूछा जाता है कि प्रबल छार क्या होता है। ठीक है, क्या पूछा जाता है? प्रबल छार किसे कहते हैं? प्रबल छार किसे कहते हैं? प्रबल छार यानी वे छार जो जल में पूर्णतः विलेय होते हैं, जो जल में पूर्णतः विलेय होते हैं उन्हें प्रबल छार कहते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे तो आपको सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और
सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये दो उदाहरण बहुत बेस्ट हैं, इनको याद कर लीजिएगा, ठीक है, कोई डाउट। अब एक और आपको बता दे रहा हूं कि क्षार होता है, क्षार का टेस्ट कैसे कहते हैं, कोई लिटमस पेपर लिया जाता है, ठीक है, क्या लेते हैं, लिटमस पेपर, तो लाल लिटमस को, किसको, लाल लिटमस को नीला कर देता है, कौन कर देता है, क्षार कर देता है, कौन कर देता है, क्षार जो होता है वो लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है, नीला कह देता है, तो वो क्या कहलाता है, आपका क्षार कहलाता है। अम्ल के लिए मैंने आपको बताया था अनिल, अम्ल को क्या बताया था, अनिल, अम्ल जो होता है नीला लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है, वहीं जो क्षार होता है लाल लिटमस को नीला कर देता है, जस्ट अपोजिट होता है। आई बात समझ में, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, क्षारों के रासायनिक गुण पढ़ना, क्या पढ़ना है, क्षारों के रासायनिक गुण देखते हैं, आइए देख लिया जाए। क्षारों के रासायनिक गुण, क्षारों के रासायनिक गुण क्या होता है, क्षारों के रासायनिक गुण क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। जैसे धातु से अपक्रिया करा देते, किससे करा देते, धातु से, तो जो आपके जैसे सोडियम लिया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से अपक्रिया कराते हैं, तो ये आपके क्या होते हैं, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब इन धातुओं की अपक्रिया कराया जाता है, तो आपको पता है यहाँ पे उभयधर्मी ऑक्साइड की कराई जाती, सॉरी उभयधर्मी धातु होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो सोडियम होता है उभयधर्मी धातु नहीं होता है, जिंक यहाँ पे क्या होता है, उभयधर्मी धातु होता है, जिंक क्या होता है, उभयधर्मी धातु होता है। जब उभयधर्मी धातुओं की अपक्रिया किससे कराया जाएगा, क्षारों से करा देते हैं, तो उस कंडीशन में सोडियम जिंकेट प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, सोडियम जिंकेट, ठीक है। सोडियम जिंकेट का फार्मूला क्या होगा, NaZnO2, यहाँ पे Na2 लग जाएगा, तो NA2ZnO2 लग जाएगा, ठीक है। और साथ में क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन गैस आपको मिलेगी, साथ में क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस आपको प्राप्त होता है। किसी कोई डाउट है यहां तक, नो डाउट, ठीक है। दूसरी आप अपक्रिया एक ये याद कर सकते हैं, दूसरा आपको अपक्रिया याद करना होगा अम्लों से क्रिया, ठीक है। अम्लों से क्रिया इसके प्रीवियस वीडियो मैंने पढ़ा दिया है कि जैसे ले गए यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के अम्ल HCl से करा दिया जाए, तो यहां से H और OH- निकल करके क्या बना लेगा, जल बना लेगा, और दूसरा क्लोरीन के साथ सोडियम कराएंगे तो सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। इस प्रकार से ये रिएक्शन यहीं पे क्या हो रही है, समाप्त हो रही है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। क्षारों के अगर उपयोग के बारे में जानेंगे तो क्षारों का उपयोग क्या होता है, पहली बात तो ये संक्षारक होते हैं, ठीक है, गुण जानेंगे क्षारों के, गुण क्षारों का क्या जानेंगे, गुण, क्योंकि अलग अलग क्षारों का उपयोग अलग अलग होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ गुण की बात किया जाए तो क्षार जो होते हैं, क्षार क्या होते हैं, संक्षारक होते हैं, क्षार क्या होते हैं, क्षार संक्षारक होते हैं, क्या होते हैं, संक्षारक होते हैं। दूसरा क्षार क्या होते हैं, स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। आपको पता होगा कि जो क्षार होते हैं स्वाद में क्या होते हैं, खट्टा होता है, खट्टापन आ जाता है। लेकिन वहीं पे अगर देखा जाए, संक्षारक का मतलब होता है जब किसी भी इंसान के शरीर में पड़ जाता, किसी भी इंसान के शरीर में पड़ जाएगा तो उसे फफोले डाल देता, क्या पड़ जाते हैं, फफोले पड़ जाते हैं, वो जलन पैदा करने लगता, ठीक है, तो वो आपका क्या होता है, संक्षारण होता है, ठीक है।